सकते हो गाइस, मधुमक्खी बैठ गई है आधे से ऊपर, ज़्यादा ही बैठ गई है। तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैंने मधुमक्खी का छत्ता देख लिया छोटा सा, उसके मैं अपने ऊपर बिठाने वाला हूँ। ये देख सकते हो, इसके अंदर मैं रानी मक्खी को बिठाऊँगा, बाद में थोड़ी मधुमक्खी को पकड़ लूँगा तो अपने आप सब मक्खी आ जाएगी। आप भी ऐसे करके इस डब्बी से एक साइड से बंद कर देने का और दूसरी साइड से खुला रखने का, और रानी मक्खी जब आ जाएगी तब आप इसको भी बंद कर देने का। बाद में थोड़ी मधुमक्खी को पकड़ के आप भी अपने ऊपर मधुमक्खी को बिठा सकते हो। ओके गाइस, मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, अभी देखते हैं कितनी मधुमक्खी अपने ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती है। ओके गाइस, ये देख सकते हो मैंने छोटी सी लकड़ी जला ली है, इससे थोड़ा सा हल्का सा धुआं लगाएंगे तो मधुमक्खी थोड़ा हमला कम करेगी। ओके गाइस, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो मधुमक्खी का छत्ता, थोड़ी मधुमक्खी पिन बन के उड़ा ले गई है, अब थोड़ी बची कुची है जो उससे अभी मैंने बाद में आके अभी देखा था रानी मक्खी को, अभी देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। पहले मैं रानी मक्खी को खोजूंगा, उससे बाद में उसको पकड़ के इस डब्बी में पैक कर दूंगा। ओके गाइस, इसके अंदर से अब हमको क्वीन ढूंढना है, बाद में उसको हम पकड़ेंगे, पहले थोड़ा ढूंढ लेते हैं। जब मधुमक्खियाँ डर जाती है तब अपने क्वीन को छुपा देते हैं, देखते हैं इधर किधर ही होगी। ये देख सकते हो, इसे जो नीचे बनाता है इसी वाला, उसमें मधुमक्खी क्वीन बनती है, जिसमें से चार पांच निकल गए, इसलिए थोड़ी मधुमक्खियाँ कम हो चुकी है, देख सकते हो। ओके, इसमें अभी क्वीन ढूंढ लेता हूँ, शायद मिल जाएगी। थोड़ी सी मधुमक्खियाँ हैं इसलिए क्वीन जल्दी मिल जाएगी। ओके, पहले क्वीन ढूंढ लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, देख सकते हो उस बॉक्स में मैंने रानी मक्खी को पकड़ लिया है, अभी थोड़ी देर के लिए हाथ हमें ऐसे ही रखेंगे, फिर मधुमक्खी आ जाएगी धीरे धीरे करके, सर सब आ जाएगी। थोड़ी देर मेरे को आधा घंटा ऐसे रखना पड़ेगा, आपको मैं पूरा बिठा के बाद में वीडियो दिखाता हूँ। ओके गाइस, देख सकते हो आधी मक्खी मक्खियाँ बैठ गई है, अभी आधी थोड़ी उड़ रही है, अभी धीरे धीरे करके इसके ऊपर बैठ जाएगी हाथ के ऊपर। यहाँ मैंने रानी मक्खी को पकड़ा है। ओके, जो अपने गांव में देसी मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको मैंने बिठाया अपने हाथों में। देख सकते हो गाइस, मधुमक्खी बैठ गई है आधे से ऊपर, ज़्यादा ही बैठ गई है तो, लेकिन मेरा थोड़ा काम है इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए अभी इस मधुमक्खी को मैं उड़ा दूंगा। अभी देख सकते हो कितना अच्छा बैठ गया है, लेकिन शाम हो गई तो मधुमक्खी को भी बैठना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं अभी उड़ा दूंगा। देख सकते हो रानी मक्खी इसके अंदर, इसलिए सब मधुमक्खियाँ बैठ रही है। एक दिन पूरा वीडियो बनाऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक पूरी मधुमक्खी को हाथ में लेके घूमूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तक किया तो प्लीज़ कर देना, और वीडियो को लाइक प्लीज़ करना यार, ऐसे नई नई वीडियो आएंगी, आपको मैं भी दिखाऊंगा, मैं मधुमक्खी जो रानी मक्खी होती है उसको पकड़ के आप भी कैसे बिठा सकती हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।